जब अखिलेश मेट विद आजम, आजम और अखिलेश में ऑल वेल, क्या खत्म हो गई दूरियां? कपिल सिब्बल बने मुख्य कड़ी, जेल से बनी दूरी क्या अस्पताल में हुई खत्म? आखिरकार वो इंतजार की घड़ी आ ही गई जब आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबे समय के बाद बातचीत भी हुई, लेकिन अब सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर जाना वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता जनाब आजम खान साहब का स्वास्थ्य लाभ। हम सब की दुआ है कि आजम साहब शीघ्र स्वस्थ हो। दरअसल 27 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद इस बात पर अटकलें लगी हुई थी कि आखिरकार कब पार्टी के अध्यक्ष आजम खान से मिलने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि जब आजम खान जेल में थे तब भी पार्टी के कई नेता आजम खान से मिलने पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात सही से नहीं हो पाई। कई दफा जब ये सवाल आजम खान से पूछा गया तो हर बार इस सवाल से उनका दर्द अलग अलग अंदाज में देखने को मिला। खबरें तो ये भी सामने आई थी कि अखिलेश यादव और आजम खान में नाराजगी का सिलसिला चल रहा है। कपिल सिब्बल माने जा रहे हैं अहम कड़ी। ऐसे में अखिलेश और आजम की मुलाकात में सबसे अहम कड़ी कपिल सिब्बल को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने वाले कपिल सिब्बल ने इस मुलाकात में बड़ी भूमिका निभाई और केवल उनकी वजह से अखिलेश और आजम की मुलाकात संभव हो पाई। साथ ही कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं में सियासी दूरियां भी कम हो गई हैं। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कई दिनों से स्वस्थ न होने के कारण वो अस्पताल में है। बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद शिवपाल यादव भी आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार आजम खान की नाराजगी को दूर करने में लगे हुए थे, जिसमें कपिल सिब्बल को राज्यसभा के लिए समर्थन देना और बजट सत्र के दौरान आजम खान का समर्थन और सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर इतने मुकदमे नहीं होंगे जितने आजम खान पर लादे गए। जिस सरकार को न्याय देना चाहिए वो फर्जी गवाह बनाकर मुकदमे लाद रही है। लेकिन इन सब के बीच अभी भी सवाल यही उठता है कि आजम और अखिलेश यादव के बीच जो दूरी बनी हुई है, क्या वो दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद खत्म हो जाएगी?